गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हम सर्वनाम का टॉपिक कर चुके थे, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आज हम विशेषण पढ़ेंगे। तो विशेषण में देखिए, पहला प्रश्न बनता है, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, सुंदर, अच्छा, एक, दो, दुगुना, कुछ, कई, तीन मीटर, भारतीय, जापानी आदि, ये सब विशेषण है। तो हमने पढ़ा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब जिसकी विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं, या जो भी संज्ञा या सर्वनाम है और उनकी विशेषता जिन शब्दों से बताई गई वे तो विशेषण हो गई। अब वहां पर संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाते हैं। देखिए, विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के चार भेद बताए हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब प्रश्न बनता है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दिशा, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के किसी गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दिशा, दशा, स्वाद, गंध आदि का बोध कराएं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, समझदार, आलसी, क्रोधी, लाल, पीला, लंबा, चौड़ा, बाहरी, उत्तरी, मीठा, कड़वा, सुगंधित, बदबूदार, जापानी, अमेरिकी आदि। वाक्य बना सकते हैं आप, वह समझदार है, मोहन बहुत क्रोधी है, सोहन आलसी है, वह क्रोध से लाल पीला हो गया आदि, जो भी। अब देखिए, इसके बाद परिमाण वाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी माप, नाप या तोल का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन से हैं वे? जैसे आधा लीटर, पांच मीटर, तीन तोला, अधिक, कम, ज्यादा, ढेर सारा, जरा सा आदि। इस प्रकार के ये जो उदाहरण हैं, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आगे है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी वे विशेषण शब्द जो या संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो, दस, बीस, दुगुना, सैकड़ों, दर्जन, तीसरा, प्रत्येक, बीसियों, सैकड़ों आदि, ये सभी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इसके बाद आता हमारा अगला सार्वनामिक
या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, ऐसे सर्वनाम शब्द होंगे जो संज्ञा से पहले जुड़ेंगे और वे विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगे उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, यह कलम मेरी है, यहां पर कलम संज्ञा है तो संज्ञा से पहले यह जो सर्वनाम जुड़ा है ये सार्वनामिक विशेषण है। यानी सर्वनाम तो है ही है और कलम से पहले जुड़कर ये किसका काम कर रहा है, यहां पर विशेषण का काम कर रहा है, यानी संज्ञा से पहले जुड़कर विशेषण का काम कर रहा है तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी प्रकार देखिए, उस पुस्तक से पढ़िए, पुस्तक यहां संज्ञा है, इससे पहले यहां उस सर्वनाम जुड़ा है और ये उस सर्वनाम संज्ञा से पहले जुड़कर विशेषण का काम कर रहा है, उस को स्पेशल बताया है, उस पुस्तक से पढ़िए तो संज्ञा से पहले जुड़कर विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया या संकेतवाचक विशेषण हो गया है। कोई आदमी मिलने आया है, आदमी यहां पर संज्ञा है, अब आदमी से पहले कोई सर्वनाम है, ये सर्वनाम यहां विशेषण का काम कर रहा है संज्ञा से पहले जुड़कर, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण का काम कर रहा है। क्या चीज लेकर तुम खुश होगे, चीज ये संज्ञा है, यहां इस संज्ञा से पहले यहां क्या लगा है, क्या वैसे तो सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहां ये सर्वनाम किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए संज्ञा से पहले जो सर्वनाम विशेषण का काम करें वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वनाम ये टॉपिक हो चुके हमारे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब अगले टॉपिक में हम क्रिया करेंगे। ये काम आप अपनी फेर नोटबुक में लिख लेना और साथ के साथ याद कर लेना। आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।